गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम आपको पाठ 12 पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है साक्षी पहुंची चांद पर। और ये कहानी लक्ष्मी जैन के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के द्वारा आप चांद और पृथ्वी की कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे कि चांद कैसा लगता है, पृथ्वी से वह कितनी दूरी पर है, उसमें वहाँ जाने के लिए क्या ड्रेस होती है, किसके द्वारा जाया जाता है और पृथ्वी कैसी दिखती है वहाँ से। इस तरह की अनेक बातें आपको इस कहानी के द्वारा बताई जाएंगी। इसमें जो लड़की है उसका नाम है साक्षी और वो एक उसको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले हर रोज़ कहानी सुनती थी। एक दिन वह खिड़की से चांद को देख रही थी तो चांद को देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। तभी उसकी मम्मी आती हैं और बोलती हैं, साक्षी बेटी अब बहुत देर हो गई, चलो चलो सो जाओ। तो बोली, नहीं अभी हमको नहीं सोना है, अभी हम चांद देख रहे हैं, थोड़ी देर में सोएंगे। देखियो ना मम्मी कितना सुंदर चांद है, एकदम गोल है, चमकीला है। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटी आज तो पूर्णमासी है ना, इसलिए चांद गोल है, रुपेला दिखाई दे रहा है। तो साक्षी कहती है, हाँ माँ आज हमारी कक्षा में भी हमारी टीचर ने चांद के बारे में पढ़ाया था और हमको बहुत अच्छा लगा था सुनने में, तो मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। तो माँ बोली, हाँ हाँ बेटी तुम मन लगाकर अगर पढ़ोगी ना तो तुम ज़रूर चांद पर जा पाओगी और अपने इरादे में सफल हो जाओगी। तो साक्षी बोलती है, उत्साह से पूछती है, हाँ सच माँ? तो बोली, हाँ हाँ। और उसके बाद उसकी माँ जो है उसके सर पर हाथ रखती हुई प्यार से फेरती है। तो जब उसके सर पे प्यार से हाथ रखकर माँ बोलती है तो वो साक्षी बहुत खुश हो जाती है और उनकी गोदी में सर रखकर लेट जाती है। उसके बाद उसकी माँ उसको चांद और सितारे की कहानी सुनाने लगती है और सुनते उसको नींद आ जाती है और वो सपने की दुनिया में खो जाती है ना। उसके सामने क्या होता है, रंगों के दायरे बनने लगे, मतलब एक रंग आया, दूसरा रंग आया, बहुत सारे रंग, लाल पीले नीले रंग वो सपने में देखने लगी। तभी क्या होता है कि उसकी बाहों से कोई चीज आकर टकराती है। तो साक्षी देखती है कि एक विशेष पोशाक है, चांद पे जाने के लिए एक ड्रेस होती है ना, और हम लोग रॉकेट से भी जाते हैं, वहाँ पे चांद पे कैसे जाया जाता है, रॉकेट से जाया जाता है, उसकी एक अलग ड्रेस होती है। तो वो देखती है सपने में कि उसकी बाँस में एक ड्रेस टकराती है, तो वो उसको पहन लेती है। फिर अचानक देखती है कि उसके सामने चंद्रयान खड़ा हुआ है जिसमें से एक सीढ़ी निकली, तो साक्षी ने उस सीढ़ी में प्रवेश किया और वो थोड़ी देर बाद यान से जोर से आवाज़ होने लगी, घर घर, इसका मतलब यान चलने की तैयारी में होगा। फिर वो चांद की तरफ उड़ने लगा। रास्ते में वो क्या देखती है कि चांद बहुत शान से चमक रहा है और वो अपनी दुधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश डाल रहा है, मतलब सफ़ेद चांदनी की एकदम धरती पर वो प्रकाश कर रहा है, धरती को प्रकाशित कर रहा है। तो साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तब तक वो चांद की तरफ बढ़ती चली जा रही है, ये सब तो उसके सपने में हो रहा था ना। फिर वो कुछ ही देर में चंद्रयान से चंद्रमा पर पहुंचती है। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली और साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। वो उतर गई सीढ़ी से और चंद्रमा की धरती पर पहुंच गई। जैसे ही साक्षी चंद्रमा की धरती पर कदम रखती है तो ना वो बहुत हैरान हो जाती है। वो देखती है कि अरे यहाँ तो चारों ओर अंधेरा है। और तभी उसको याद आता है कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना। तो वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है, बोली अच्छा अच्छा इसलिए ये ऐसा दिख रहा है चारों तरफ। फिर वो थोड़ा आगे चली तो बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए, चांद पर कोई पेड़ पौधा ही नहीं था, कोई पशु पक्षी ही नहीं था और वहाँ की धरती बहुत उबड़ खाबड़ थी। तो वीरान चांद को देखकर, मतलब खाली अकेला चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित भी हो जाती है। इसमें से इतने में क्या होता है, उसको एक भारी आवाज़ सुनाई देती है, कौन हो तुम? तो आवाज़ सुनकर साक्षी थोड़ा डर गई। फिर वो अपने आप को संभालती है और बोलती है, मैं साक्षी हूँ, आप कौन हैं? तो बोलता है, मैं चंद्रमा हूँ, मुझको देखकर सभी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और बच्चे तो मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं, लेकिन हमको लगता है कि तुम जो हो कहीं धरती से आई हो, धरती के किसी भाग से आई हो,
तो क्या तुम हमको वहाँ के बारे में बताओगी? तो साक्षी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मेरा तो संबंध भारत से है और भारत की धरती बहुत सुंदर है। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, कहीं ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं बड़े बड़े समुद्र हैं। इस तरह से वो साक्षी चांद को अपनी धरती के बारे में बताती है। और साक्षी की बातें चंद्रमा बड़े गौर से सुन रहा था। फिर बोलते, क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी पूछती है चंद्रमा से। चंद्रमा बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं एक उपग्रह हूँ, है ना। उपग्रह मतलब क्या होता है? जो ग्रह की परिक्रमा करने वाले को कहा जाता है उपग्रह। तो चंद्रमा अपने बारे में बोलता है कि मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी, अर्थात चंद्रमा अपने बारे में बोल रहा है कि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग 400,000 किलोमीटर है। तो बोलता है, जानती हो सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? तो साक्षी बोली, नहीं। चंद्रमा बोलता है कि सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग, हाँ, और एडविन आल्ट्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था। ये तीनों लोग जो हैं चंद्रमा की धरती पर गए थे। तो वहाँ से जब उन्होंने अपनी पृथ्वी को देखा तो वो बहुत खुश है और खुशी से उछल पड़े। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज़ हल्की क्यों हो जाती है? तो चंद्रमा बोलता है, हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है पता है? गुरुत्वाकर्षण एक बल है जिसके कारण पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, तभी तो सब कुछ स्थिर रहता है ना। और जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, जहाँ खिंचाव नहीं होगा, वहाँ तो चीज़ें हल्की होंगी, लगेगा कि हम ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। तो जिसके कारण हम किसी को भी एक हाथ से अगर उठाना चाहें तो हम आसानी से भी उठा सकते हैं। तो ये है गुरुत्वाकर्षण, जिसमें एक बल है और उसके कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन वहाँ चंद्रमा की धरती पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे अपने घर की याद आने लगी। वो यान के पास गई, उसमें बैठ गई, तब क्या होता है, एक जोर से गड़गड़ाहट होती है और साक्षी को झटका लगता है। तो उस झटके से उसकी आँख खुल जाती है, वो बिस्तर से उठती है, बोलती, अरे ये तो मैं सपना देख रही थी। तब तक उसकी मम्मी भी उसके पास आ जाती हैं। तो वो साक्षी बोलती है, मम्मी, मम्मी को अपने सपने के बारे में बताती है। तो माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी निसंदेह, निसंदेह मतलब जहाँ कोई, निसंदेह मतलब होता है बिना संदेह का। तो वो बोलती है, बेटी बिना संदेह का ये तो तुम्हारा सपना था ना, तो मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ती रहोगी तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार हो जाएगा, मतलब ज़रूर पूरा होगा। इस तरह से साक्षी भी बहुत खुश हो जाती है। और आप लोग को भी अच्छा लगा ना ये कहानी पढ़कर, तो आप भी इस पाठ को पूरी तरह से पढ़िएगा, एक एक पंक्ति को पढ़िएगा और मेरे ख्याल से आपको पूरी बातें समझ में गई होंगी कि इस कहानी में क्या कहा गया है, और इसके शब्दार्थ भी आप लोग याद करिएगा। धन्यवाद।